बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा स्पेशल में आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मटन स्टू। मटन स्टू बनाने के लिए दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। इसमें शामिल कर देंगे 4 खाने के चम्मच तेल के। अब इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करना है। इसमें ज़ीरा है, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी है और इसके अलावा इसमें काली मिर्चें हैं साबुत और लाल साबुत मिर्चें गोल वाली। ये सारे मसाले डाल देंगे। जैसे ये साबुत मसाले कड़कड़ाएँ इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 दरमियाने प्याज स्लाइसिस में कटे हुए। और अब इस प्याज को 2-3 मिनट पकाएंगे ऐसे ही हिलाते हुए। 2-3 मिनट प्याज को पका लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे मटन। अब ये मटन को इसमें 4-5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी हस्बे ज़रूरत। ढक्कन लगा के अब इतनी देर तक पकाएंगे कि मटन मुकम्मल तौर पे गल जाए। गोश्त को चेक कर लेंगे, गोश्त गल चुका है। अब इसमें शामिल कर देनी है आधी प्याली दही की। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तीन से चार सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर। अब आंच को थोड़ा तेज़ करके दही का पानी खुश कर लेंगे। दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। मटन स्टू रेडी हो गया। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। मटन स्टू को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।